वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हमारी किचन में बनने वाला है खिचड़ी बिरयानी। ठीक है, खिचड़ी बिरयानी बनाने के लिए हमने चावल को अच्छे तरीके से धो के ले लिया है। करीब 1.5 गिलास चावल था और यहाँ पे बोरो आलू और मूली ले लिया है। यहाँ पे प्याज, टमाटर और बैंगन, गोभी, प्याज को बारीक साइज कट कर लिया है, जीरा पचफोरन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मिर्च, टमाटर वगैरह। ठीक है, 2 इलायची लौंग ऐसे करके ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम बनाने वाले हैं प्रॉपर तरीके से खिचड़ी वेज बिरयानी। ठीक है ना, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं। रहर और यहाँ पे मूंग का दाल हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए ले लिया हमने 1 कटोरी। ठीक है, यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच लिया है हल्दी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 आधा चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे 1 चम्मच मिक्स मसाला लिया है और देख सकते हैं मसाले की क्वांटिटी। और बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसलाइक करने से आपकी पसंद नापसंद हमें पता चलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास बिरयानी मसाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी मसाला हम लेंगे। ठीक है, बिरयानी मसाला हमने ले लिया है। हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मसाले वगैरह हमने करके ले लिया है। और यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं और देख सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे लिया है कुकर। कुकर में हमने 3-4 चम्मच छोटे स्पून से 3-4 चम्मच यहाँ पे हमने डाला है तेल। ठीक है, सरसों का तेल। उसके बाद हमने डाला है 1 चम्मच घी। ठीक है, और वीडियो में कोई गलती लग रही होगी तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो जब मम्मी ने मिर्च वगैरह डाली थी ना, वो मतलब जैसे उड़ रही थी, तो मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो कोई भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप गलती हुई है हमसे। यहाँ पर मम्मी ने जीरा पचफोरन वगैरह डाल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगी, देख सकते हैं जैसे कि मम्मी ने सारा कुछ डाला है। देखिए, जीरा पचफोरन, मिर्च। ठीक है, और यहाँ पे डाला है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। देखिए, मम्मी ने अभी डाला था तेजपात और साथ ही साथ लहसुन और जीरा पचफोरन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मिर्च। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी गोभी को डाल के भून रही हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अब कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं अलग से भी, तो यहाँ पे अलग से भी मम्मी बैंगन डाल रही हैं। ठीक है, बैंगन वगैरह, और देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे वीडियो बनाते वक्त, और ये रात को शूट किया गया था जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह ले लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाती हूँ। ठीक है, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने की है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और टमाटर डालेंगे और आलू और मूली और यहाँ पे बैंगन वगैरह सारा कुछ पड़ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से सब्ज़ी में होता है सबसे पहले सेम प्रोसेस वैसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोरो डालेंगे, लेकिन आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। तो वही सारी चीज़ें, और जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है तो वही बात है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे करीब स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, ताकि जो है हमारा प्याज वगैरह और बोरो वगैरह अच्छे तरीके से ये भून सके। और इसको थोड़ा सा हम चला देंगे, देखिए देखिए एकदम इसको अच्छे तरीके से चला देंगे, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए कुकर को अच्छे तरीके से ढक्कन लगा के रख देंगे।
करीब एक से दो सीटी आने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा ये गल चुका है, इसको अब हम मिक्स करेंगे, देख सकते हैं जैसे कि देखिए। और अब हम यहाँ पे जो है अपना मसाला मसाले को ऐड करेंगे। यहाँ पे जितना भी हमने मसाला अलग से लिया था वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। और मिक्सअप करने के बाद और उसके बाद हमने जो मूंग और अरहर का दाल धो के रखा था ना उसको हम डाल लेंगे, ठीक है। मसाला वगैरह पड़ने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने ले लिया है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे चावल, चावल और मूंग की दाल और ये जो सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं उसको हम इसी में मिक्सअप कर लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को। अब हम इसको देखिए किस तरीके से मिक्स करेंगे। वाह, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा चीज़ अच्छे से हुआ है, क्योंकि हम अभी अपनी तरफ से जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कि हम खुद से भी आपके लिए कुछ यूनिक रेसिपी लेके आ सके तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अब हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और पानी ऐड करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा इसको चलाएँगे, ठीक है। पानी डाल के सीधा हम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, पहले इसको चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें बहुत करछी से चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारा जो स्वाद चाहिए जो फ्लेवर चाहिए पुलाव का वो आएगा नहीं। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद और 5 से 10 मिनट थोड़ा सा हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाएंगे। और अपने हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं चोखा उसके साथ सर्व करने के लिए। तो देख सकते हैं हमने आलू और बैंगन को उबाल करके रख दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तवे पे मम्मी यहाँ पे सूखी लाल मिर्च और जीरा पचफोरन को भून रही। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हमने बैगन वगैरह आलू वगैरह था वो हमने इसको पूरा क्रश कर लिया है, इसको मैश कर लिया है एकदम से। और यहाँ पे हमने लहसुन के छिलके वगैरह हटा के इसको हम तवे पे थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अब देखिए इसको भी अब सीटी लगाने की बारी हो रही है। और यहाँ पे हमारा जो जितना भी लहसुन वगैरह और सूखी लाल मिर्च जीरा पचफोरन था वो रोस्ट होके तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे, ठीक है, और बिना पानी डाले ही इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ना के बराबर में पानी डालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप हमारा जो ग्राइंडर जार में हमने जो पीसा था वो एकदम देख सकते हैं ऐसा कुछ हो चुका था। तो उसका टेक्सचर देखिए कैसा है। और आई होप आपको मैं जितना भी कुछ बता रही हूँ वीडियोस में आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए तो देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, जो चोखा हमें बनाना था वो अब रेडी हो चुका है। अब चाहे तो थोड़ा सा हम एक छोटे चम्मच से हम यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करेंगे। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत ऑप्शनली है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब हमारी सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है टमाटर, टमाटर को कुछ इस साइज़ में हमने कट किया है और प्याज को भी कुछ इस साइज़ में हमने कट किया है। और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। हरा मिर्चा भी हमने कट कर लिया है यहाँ पे। और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ों को मिला लिया है इसमें। देख सकते हैं जैसे आप इसका टेक्सचर बस देखते जाओ। और जो भी मैं बता रही हूँ मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जो भी मैं बता रही हूँ समझ में आ रही, क्योंकि देखिए कुछ क्वालिटी की भी चीज़ होती है। रात को शूट कर रहे थे तो वीडियो की क्वालिटी उतना मस्त नहीं आ पाई है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे चम्मच से एक चम्मच यहाँ पे हम तेल को ऐड करेंगे और बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल में ये बन के तैयार होगी जो भी चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं इसको अब हम मिक्स करेंगे। और अब हमारा यहाँ पर जो खिचड़ी बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। और देख सकते हैं जैसे कि हम थोड़ा सा इसको ढक के रख देते हैं और
थोड़ा सा ढक के रख देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट बाद फिर इसको इस कुकर का ढक्कन हटा के थोड़ा सा इसको चला देंगे ताकि इसकी जितनी भी भाप वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल सके। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर देखने में लग रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं, और चाहे तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सब्जी के साथ सर्व करना है तो सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर